केंद्र सरकार ने अग्निपथ नाम की एक योजना लॉन्च किया है। देश के युवाओं के बेरोजगारी को लेकर ये योजना लॉन्च किया गया है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस योजना का, और कहीं कहीं पर इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप ले लिया गया है और कई तरीके से आगजनी भी हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजय कुमार देवी। अजय कुमार जी जो नौसेना अधिकारी भी रहे, हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो योजना आई है ये देश के युवाओं के लिए क्या इसमें फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ, जिसमें से अग्निवीर बनकर युवा निकलेंगे और इसको देखते हो कि बेरोजगारी को भी कम करने की कोशिश की है, तो आप इस योजना को कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं इस योजना के बारे में ये बोलूँगा कि ये जल्दबाजी में लाई गई योजना है। आज जितनी भी हिंसा और अराजकता फैल रही है इसी योजना को लेके फैल रही है, क्योंकि जल्दबाजी में आ गई और यहाँ पे इसको रोका जा सकता था अगर हम लोग सोच समझ के चलते। क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से फ़ौज में भर्तियाँ नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे जो बच्चे थे उन लोगों ने तैयारियां की, कुछ बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम पास किया, कुछ ने मेडिकल पास किया, और उनको अचानक बोल दिया जाता है कि अब आप 4 साल वाली योजना अग्निपथ योजना में आएंगे और अग्निवीर बन के निकलेंगे, तो इसलिए वो गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि वो नौजवान थे। तो अगर सरकार ने सबसे पहले ये काम किया होता कि उन लोगों को जिन्होंने मेडिकल पास कर किया था, रिटन एग्ज़ाम पास किया था, उनको पुरानी स्कीम से ले लेते और फिर वो कहते कि 6 महीने बाद अब ये स्कीम हम लेके आ रहे हैं अग्निवीर की, और तब शायद ये अराजकता नहीं फैलती। जहाँ तक देखा जाए इस स्कीम को कि रोज़गार परक है, तो क्या हम फौज को रोज़गार देने की प्रयोगशाला तो नहीं बना रहे? अगर हमें रोज़गार देना है तो 2.5 लाख रेलवे में वैकेंसीज़ खाली हैं, पुलिस में 1.5 लाख वैकेंसीज़ खाली हैं, हम वहाँ पे डायरेक्ट उनको भर्ती क्यों नहीं देते? क्या हमने फौज को प्रयोगशाला बनाने पर लग गए कि वहाँ से लोगों को निकालेंगे फिर कहीं चौकीदार बनाएंगे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ से निकलने के बाद ये इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट वालों के लिए नौकरी है कहाँ? और आप कहते हो हम 10% रिजर्वेशन देंगे, जब इंटरमीडिएट के लिए कहीं पर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि इस नौकरी में इंटरमीडिएट वाले भरे जाएंगे जो वहाँ पर रिक्त स्थान होंगे, तो जब वैकेंसीज नहीं हैं तो आप 10% रिजर्वेशन कहाँ से देंगे? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आज हम अगर टेक्निकल विंग को ले लें, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, किसी भी मैन पावर को ट्रेंड करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं, और जो 3 से 5 साल लगते हैं तो जब 5 साल में हम ट्रेनिंग ही दे पाएंगे और 4 साल में हम उनको रिटायरमेंट देके मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। मेरे विचार से कम ये 8 से 10 साल इसकी अवधि होनी चाहिए थी, जो कि 4 साल रखी गई है। 4 साल में ना वो फौज के रहेंगे ना वो सिविलियन के रहेंगे। क्योंकि सर जिस तरीके से देखा जाए कल सेना के 3 प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बारे में बताया है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने इस आइडिया को जो लेके आया हो उसके नज़र में ये अच्छी हो। आपने बाकी चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, उन लोगों से भी राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके बच्चे ही फौज में ज़्यादा जाते हैं, और आज फौजी वो इसलिए जाते थे कि उनकी जो कैरियर है वो सिक्योर है, और हर फौजी चाहता था कि मेरा बच्चा मेरी ही यूनिट में जाए, और वो उसके लिए फख्र की बात होती थी। और अब क्या हो रहा है, अब आप सोचिएगा कि 4 साल बाद उस फौजी को नहीं पता कि उसके बच्चे को निकाल के 75% में बाहर कर दिया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हम अधिकारियों को लें तो सब शहरी बैकग्राउंड से एनडीए या एग्ज़ाम पास करके इस तरह से जाते हैं, लेकिन जो सेना में लोग जाते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो गांव की पृष्ठभूमि से जाते हैं, और गांव में वो बच्चे इसमें तैयारी करते हैं जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं, वो बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये मालूम है अगर मैं बलिदान दूंगा तो मेरे मदर फादर या हमारे माता पिता का पूरी देखभाल होगी, मेरे उनको पेंशन मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस 4 साल की योजना लाने से ये होगा, जो टॉप
बच्चे होते थे, अब वो नहीं जाएंगे, वो दूसरी जॉब ढूंढेंगे, वो इंजीनियरिंग करेंगे, वो कहीं और जाएंगे। फौज में अब नीचे वाले बच्चे जो जिनकी क्वालिटी कम होगी अब वो आएंगे, तो उससे हमारी फौज की क्वालिटी गिरेगी। और इसलिए इस स्कीम को सोच समझ के इसमें अभी सुधार करने की ज़रूरत है। वो अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है, सेना मानने को तैयार नहीं है, इसमें जिद वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिद से कोई मसला हल नहीं होता। अगर चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे अपोजिशन पार्टी है पार्टी हो, वो आपको अगर कोई सुझाव दे रहे हैं तो उस पर बैठ के चिंतन मनन हो सकता है, बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे हमारे देश का फायदा हो। क्योंकि जो आगे की लड़ाइयाँ होने जा रही हैं वो लड़ाइयाँ टेक्निकल वारफेयर है, और वहाँ पर टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। आज चाइना अपने यहाँ फौज को कम कर रहा है, आज लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इसराइल में ऐसा हो गया। अरे इसराइल की जो पॉपुलेशन है वहाँ और उनका जो अगल बगल देशों की सिचुएशन है उसके हिसाब से उनके यहाँ हर आदमी को, नागरिक को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हमारे ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हम अग्निवीर बनाएंगे और उसके बाद प्राइवेट कंपनियों में दे देंगे। तो ये प्रयोगशाला बना के ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, है प्राइवेट कंपनियों के लिए हमारे सैनिकों को वहाँ पर जॉब देने के लिए। अब वो कंपनियाँ पहले से क्यों नहीं ले रही, वो अपने यहाँ ट्रेन करें, रेलवे पहले से क्यों नहीं ले रहा। तो जितनी जगह हम कह रहे हैं कि वहाँ पे इनकी भर्तियाँ होंगी वो वहीं पे पहले से ले लें, क्योंकि रेलवे में अगर बच्चे जाते हैं तो उनको रेलवे के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी। अब एक आर्मी की ट्रेनिंग लेकर रेलवे में जाने के लिए उसको फिर रेलवे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो ये टोटली गलत है। हम केवल इसको रोज़गार उन्मुख चीज़ मान के चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं फौज जो है प्रयोगशाला, यहाँ से लोगों को ट्रेन करो और चौकीदार की नौकरी दे दो। सर कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन के लोगों ने जो सिविलियन थे उन लोगों ने हथियार उठा ले, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने देश में जो नौजवान हैं इनको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम जितनी फौज की रिक्वायरमेंट उतने ही आदमी को ले रहे हैं और उसके बाद उनको बाहर कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ आप सोचिएगा कि अगर इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली क्योंकि इनको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप सोचिएगा, क्योंकि हथियार चलाना इनको आता है, इन्होंने पूरे उनको मालूम हो चुका है कि फ़ौज क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर समझ चुके होते हैं, उनको खुफिया जानकारियां होती हैं, और अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी वो बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि वो देशद्रोही होंगे, लेकिन गलत रास्ते पे जा सकते हैं अगर उनको सही जगह पे नौकरी नहीं मिली। और मेरा चिंता का विषय मेरे लिए यही है कि इंटरमीडिएट के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती, इनके गलत रास्ते पे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके से देखा जाए इस अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कल भारत बंद, युवाओं ने भारत बंद को लेकर कम से कम 500 से कई ज़्यादा ट्रेनें भी बंद रखी जिससे आवागमन को लेकर भी लोगों को परेशानियां हुई, तो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो इसके लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसके लिए कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो भी हो रहा है, देखिए कि कहीं पे भी किसी भी मांग के लिए हिंसा का रास्ता बहुत गलत है, और इससे आज 46,000 लोगों की भर्ती को लेकर 130 करोड़ जनता हमारी हिंदुस्तान की परेशान है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और मैं जितने भी हमारे नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें जिससे देश का और देश की संपत्ति का नुकसान होता है। लेकिन आज हमारी सरकार को सुनने को तैयार है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, यहां पे एसआई की भर्तियां हुई, 2 से 3 महीने से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार सुनती नहीं, कान पे जू नहीं रेंग रहा, और 100 लोगों को कम से कम वहां से निकाला जा चुका है उस एग्ज़ाम से, क्योंकि वहां पे जो भर्ती हुई थी जो संस्था को उसमें लगाया गया था वो ब्लैक लिस्टेड थी। तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, जब तक इसको हम नहीं ख़त्म करेंगे और सरकार सही बात को नहीं सुनेगी, तो इसी वजह से लोग हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं जो कि गलत है। सरकार को जैसे ही हिंसा की बात हुई या कुछ लोगों ने इसको गलत बोलना शुरू किया तो उनके साथ बैठ के बात करके इसमें सुधार लाने चाहिए थे। 6 महीने के लिए इस स्कीम को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, और जो पुराने लोगों ने लिखित परीक्षा और मेडिकल पास किया था पहले उनको भर्ती कर लेते, और जिनको वो
पाते कि स्टैंडर्ड में आ रहे हैं उनको नौकरी दे देते, उसके बाद नए तरीके से शुरू करते। सर जिस तरीके से हिंसा हो रही है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति होने लगी है जिस कारण ये हिंसा हो रही है और बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए राजनीतिक पार्टियाँ तो मौके का फ़ायदा उठाएंगी ही, तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ उसका फ़ायदा उठाएँ? भाई इसी तरह से किसान बिल में हुआ, बाद में आपको वापस लेना पड़ा, अब नोटबंदी में 99% से ज़्यादा पैसा वापस आ गया, आपने GST में कहा कि हम एक टैक्स, पूरे देश में एक टैक्स होगा, आज भी मल्टी टैक्स चल रहा है। तो आपकी जितनी नीतियां हैं वो गलत हैं, क्योंकि आप आनन फानन में लाते हैं, जल्दी में लाते हैं और बोल देते हैं आज से ये लागू हो गई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहते जरूर हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप सबका साथ लेके नहीं चलते, इसीलिए विकास भी नहीं हो पाता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं को, छात्रों को? पहली चीज़ तो इनको हिंसा का रास्ता छोड़ देना चाहिए, और सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे शहीद जनरल बिपिन रावत जी बोल गए थे उनकी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो सजेशंस आ रहे हैं लोगों के उस पे बैठ के बात होनी चाहिए, और तब ये भर्तियां होनी चाहिए, और पुराने बच्चों को जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम पास किया है और मेडिकल पास किया है उनको पहले नौकरी देनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजय कुमार, इंजीनियर जिन्होंने सेना के अधिकारी रहे हैं, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ से ये योजना आई है इसको पहले सोचना चाहिए था उसके